स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NSR क्लासेस में। आज हम सीखेंगे 12th का चैप्टर 8 डिफरेंशियल यानी अवकलज। तो उसके लिए अपन को उसके कुछ मानक फॉर्मूले ज्ञात होने चाहिए, तो आज हम वही सीखेंगे। ओके, शुरू करते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, ये कुछ मानक अवकलज है। अब अपन सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशियल। अगर अपन साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपन को? कॉस एक्स। उसी प्रकार अगर अपन कॉस एक्स का अवकलन करते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है? माइनस साइन एक्स प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैसे तीसरा देखिए, टेन एक्स का अवकलन करने पर अपन को क्या प्राप्त होता है? sec स्क्वायर एक्स। और cot x का अवकलन करने पर प्राप्त होता है अपने को माइनस cosec स्क्वायर एक्स। ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलन है। ठीक है, आप इनको ध्यान से याद कर लीजिए ताकि आपको उनको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। अब अपन लिखेंगे प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलन कैसे होते हैं। जैसे अब अपन को साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करना है तो वो उसका अवकलन क्या प्राप्त होगा अपने को? क्या प्राप्त होगा? 1/√1 + x² x² प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर अपन यहाँ कोस इनवर्स एक्स का अवकलन प्राप्त करना चाहेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को?
माइनस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर, ये कोस इनवर्स एक्स का अवकलन है। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या प्राप्त होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए, अगर हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करना चाहेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर अपन कॉस का करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, माइनस वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार टेन का करने पर क्या प्राप्त होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट का करने पर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार सेक का देखिए, सेक का क्या हो रहा है, वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये सब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलज। सीखा कि डिफरेंशियल इक्वल के कुछ मानक अवकलज क्या होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलज क्या होते हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलज क्या होते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी उनको कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। धन्यवाद।